जब जैक और मुझे श्रीमती हॉथोर्न के साथ रहने के लिए भेजा गया तो हमें बताया गया कि यह एक नई शुरुआत है, एक बार फिर परिवार का हिस्सा बनने का मौका है। ग्रामीण इलाकों में एक घर है जहां हवा साफ है और रातें शांत हैं। मैं इस पर यकीन करना चाहता था, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। श्रीमती हॉथोर्न का घर पुराना था, दशकों के वजन के नीचे झुका हुआ, घने जंगलों से घिरा हुआ। अंदर की हवा बासी थी और फर्श की चरमराहट से खराब हो गई थी। श्रीमती हॉथोर्न ने एक अजीब मुस्कान के साथ हमारा स्वागत किया। उन्हें बूढ़ी माना जाता था। उनके चांदी के बाल एक तंग बन में पिन किए हुए थे और उनकी भुजाएं झुर्रीदार थीं, लेकिन उनका चेहरा युवा और उज्ज्वल दिख रहा था, जैसे कि वह 30 वर्ष की हों। वहां 3 अन्य बच्चे भी थे, जो अजीब था क्योंकि हमें उनके बारे में। जैक, क्या तुम्हें लगता है कि वे ठीक हैं? वे बस शर्मीले हैं मियां, हम ठीक रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे यकीन नहीं हुआ। घर खुद ही जीवंत लग रहा था। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और दीवारों पर छायाएं रेंग रही थीं। रात में मुझे अटारी से अजीब सी आवाजें आती हुई सुनाई देती थीं, खरोंचने जैसी, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। दूसरे बच्चों ने कभी इस बारे में बात नहीं की, कभी इस पर ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन जब मैंने एक लड़के ओलिवर से इस बारे में पूछा तो उसने मुझसे कहा कि इस बारे में बात मत करो, नहीं तो देखभाल करने वाले को पता चल जाएगा। मुझे यकीन है कि वह हमें सुन नहीं सकती। तभी ओलिवर का चेहरा पीला पड़ गया और वह यह कहते हुए दूर चला गया कि देखभाल करने वाली श्रीमती हॉथोर्न नहीं थी। यह पहली बार था जब मैंने केयरटेकर के बारे में सुना, लेकिन यह आखिरी बार नहीं था। दूसरे बच्चे इसके बारे में कानाफूसी करते थे जब उन्हें लगता था कि कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन मैंने उनकी बातचीत के कुछ अंश सुने। उनका मानना था कि केयरटेकर अटारी में रहता था, कि वह मिसेज हॉथोर्न को नियंत्रित करता था, कि वह वहां होने वाली सभी अजीबोगरीब चीजों का कारण था। हर रात मिसेज हॉथोर्न अजीबोगरीब अनुष्ठान करती थीं। वह दर्जनों मोमबत्तियां जलाती थीं और उन्हें लिविंग रूम में एक घेरे में सजाती थीं। वह ऐसी भाषा में मंत्रोच्चार करती थीं जिसे मैं नहीं समझता था। उनकी आवाज पेड़ों के बीच से हवा की तरह ऊपर नीचे होती थी। पहली बार जब मैंने इसे देखा तो मैं स्तब्ध रह गया। उसकी रस्में और भी अजीब होती जा रही थीं, उसकी आवाज और भी ज्यादा उन्मत्त हो रही थी। मैं डरकर वापस भागा, लेकिन मैंने देखा कि दूसरे बच्चे अचानक कमजोर होते जा रहे थे। वे पीले पड़ गए थे, उनकी आंखें ढांसी हुई थीं और वे पहले से भी ज्यादा धीमी गति से चल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनमें से जीवन खत्म हो रहा था। एक दिन मुझे एक पुरानी तस्वीर मिली। यह श्रीमती हॉथोर्न के घर के सामने खड़ी थी, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ थी। तस्वीर 1952 की थी, लेकिन श्रीमती हॉथोर्न बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। कोई झुर्रियाँ नहीं, उम्र बढ़ने के कोई लक्षण नहीं, उनकी त्वचा अभी भी बिल्कुल वैसी ही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब मुझे एहसास हुआ कि कुछ अजीब चल रहा है। मैंने जैक को बुलाया और उस रात हमने अटारी देखने की योजना बनाई। मोमबत्तियां पहले से ही जल रही थीं और श्रीमती हॉथोर्न अपने अनुष्ठानों में से एक के बीच में थीं। उनका मंत्रोच्चार अधिक तेज, अधिक उन्मत्त था और घर में अंधकारमय ऊर्जा की धड़कन लग रही थी। दीवारों पर छायाएं मुड़ रही थीं और ऐंठ रही थीं, लगभग मानो वे जीवित हों। हमने तब तक प्रतीक्षा की जब तक श्रीमती हॉथोर्न अपने अनुष्ठान में पूरी तरह से डूब नहीं गईं, और फिर हम चुपके से ऊपर चले गए। अटारी का दरवाजा बंद था, लेकिन हम उसके पीछे कुछ हिलते हुए सुन सकते थे। जैक ताले तोड़ने में माहिर था और मैंने उसे अपने हेयर पिन दिए। जैक, जल्दी करो, हमें ये काम उसके नोटिस करने से पहले ही कर लेना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ मियाँ, बस देखते रहो। और फिर यह काम अधूरा रह गया। हम अंधेरे और अजीब गंध के बीच अंदर गए। जैक एक माचिस लेकर आया था और जैसे ही उसने उसे जलाया, हमने चिंगारियों में एक आकृति देखी। ये इंसान या जानवर नहीं था। यह लगभग 10 फीट से ज्यादा लंबा था और इसकी आंखें लाल थीं। इससे पहले कि हम झटके से बाहर निकल पाते, मुझे एहसास हुआ कि यह गंध गैसोलीन की थी। और इससे पहले कि मैं जैक को रोक पाता, उसने लगभग जली हुई लकड़ी को फर्श पर फेंक दिया ताकि एक नई लकड़ी निकाल सके। बस यही हुआ। अटारी में एक भयानक आग फैल गई और बीच में हमने राक्षसी आकृति को रोते हुए देखा।
हम भागने के लिए मुड़े, लेकिन श्रीमती हॉथोर्न पहले से ही वहां थीं। उनकी आंखें काली थीं और उनका मुंह मुड़ा हुआ था। तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकती हो? तुम मेरी हो। जेक ने मुझे सीढ़ियों की ओर धकेला और उस पर हमला किया। भागो मियां, मैं उसे रोक लूंगा। मैंने विरोध किया, लेकिन जेक ने मुझे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। मैंने समय रहते पीछे देखा और देखा कि काली इकाई और श्रीमती हॉथोर्न एक हो गए हैं। अचानक आग ने उसे घेर लिया और उसकी उंगलियों से बड़े बड़े पंजे निकल आए। आग ने अटारी को जलाकर राख कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं मदद के लिए दूसरे बच्चों के पास भागा, लेकिन जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, मैं सदमे में खड़ा हो गया। उन सभी की आंखें भी पूरी तरह काली थीं, और तब समझ में आया कि किसी ने हमें उन बच्चों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया था। वे सभी भी मर चुके थे। जब आग ने घर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और मैंने जेक की चीखें सुनी, तो मैं रोया और मदद के लिए बाहर भागा। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं सबसे नजदीकी घर तक नहीं पहुंच गया। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे, घर राख के अलावा कुछ नहीं था। उन्हें घर के पीछे जमीन में दबे अन्य बच्चों के शव मिले। उनकी आंखें गायब थीं, लेकिन उन्हें जैक या मिसेज हॉथोर्न कभी नहीं मिले। ऐसा लग रहा था जैसे वे हवा में गायब हो गए हों। शव मिलने तक हर कोई मुझ पर विश्वास करने से डरता था, लेकिन उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था। मुझे आज भी, एक दशक बाद भी, वह स्पष्ट रूप से याद है कि मैंने उस रात क्या देखा था। मैं बस यही प्रार्थना करता हूं कि जेक को शांति मिले।